जय भीम, जय भीम साथियों, जय सुहेल देव महाराजा, जय सुहेल देव पासी महाराजा, बिजली पासी महाराजा, लाखन पासी वीरांगना उदा देवी, जय भारत। मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ, आप लोग लाइव आइए। कैमरा में क्या दिक्कत आ रही है भाई, आप बताइए। जय भीम योगेश पासी भैया, अब मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि मैक्सिमम भाई लोग आ गए हैं, और जो नहीं आए हैं वो आ जाएंगे, वो बाद में लाइव देख सकते हैं। मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ, आप लोग शेयर कर लीजिएगा आज का। आप सभी को पता है कि आज मैं जिस टॉपिक को लेकर लाइव आई हूँ वो है, एक मूवी रिलीज हुई है आर्टिकल 15। तो काफ़ी भाइयों के विचार फेसबुक पे भी आ रहे हैं, काफ़ी भाइयों से बात भी हुई हमारी, और जितने भी भाई हैं उनके अलग अलग विचार हैं। लेकिन पर एक चीज़ समझ में आया कि हमारे सभी भाई बहुत ही ज़्यादा ओजस्वी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। वो समाज में कुछ नया चाहते हैं, एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। सभी भाइयों से बात करके यही लगता है। तो मैं अपनी बात को बहुत सीमित शब्दों में कहूंगी, बहुत कम शब्दों में कहूंगी, और भाइयों को बता दूं, भाइयों से नम्र निवेदन है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो कृपया गाली गलौच ना करें, इस बात को समझने की कोशिश करें, और अभद्र शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये हमारी नकारात्मक ऊर्जा का एक विकार है। जय पासी भाइयों, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 15 एक मूवी है, पिक्चर रिलीज हुई है इस शुक्रवार को, तो काफ़ी भाइयों ने देखी और कुछ ने नहीं देखी, वो भ्रम की स्थिति में है कि एक्चुअली इस मूवी में ऐसा क्या है कि जिसका कि बहुजन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और सवर्ण समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं। उस विरोध का कारण, सीधा सा कारण है कि जो एक स्टोरी जो प्लॉट की गई है, स्क्रिप्ट राइटिंग जो की गई है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों में वैमनस्यता फैलाने के लिए की गई है। मेरा ये पर्सनल ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उससे वैमनस्य फैल रहा है, उससे हमारे सवर्ण भाई भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इस तरह से दिखाया गया है कि हम बहुत ज्यादा अत्याचारी हैं। एक के रूप है कि उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण ये है, या विरोध करने का कारण ये है कि वो समाज में नहीं चाहते कि और वैमनस्यता फैले। अगर ऐसा होता है तो और कई मूवीज होती हैं जिनका वो विरोध इस तरह से करते हैं जिसमें वैमनस्यता नहीं फैलती है। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही हो या गलत, लेकिन पर सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही बहुजन समाज है, वहां पर भी जो स्टोरी प्लॉट की गई है बहुत निंदनीय, और बहुत दुख होता है मुझे देखकर कि जो जिस तरह से शब्द यूज किए गए हैं हमारे जाटों भाइयों के लिए, हमारे पासी भाइयों के लिए। और ये गंदगी अभी से नहीं फैल रही है, क्योंकि सीधा सा समझ लीजिए कि आपका सेंसर बोर्ड में कोई नहीं बैठा है वहां पर, जो मूवी में काट छाट करता है, या मूवी में मतलब कि मूवी जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं जाटो भाइयों का भी अपमान किया गया है हमारे, और पासी भाइयों का भी। ये आपस में एक षड्यंत्र है कि हम लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, किसी को ऊपर रख दिया जाए, किसी को नीचे रख दिया जाए। ये बहुत ही खराब बात है, और इस चीज से बहुत से भाई समझ पा रहे हैं, बहुत से भाई नहीं समझ पा रहे हैं। वैमनस्य ये फैल रहा है बहुत ज्यादा कि पासी समाज को जाटव भाइयों से नीचे बताया गया, कहा है बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जब एक वहां से निकलते हैं ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, और कहते हैं कि पानी लेना है, खरीदना है, तो कहते हैं कि ये पासियों का गाँव है, इनकी इनकी छवि जो है हमें अपवित्र कर देगी, इनकी शैडो, इनकी छाया जो है हमें अपवित्र कर देगी, इनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, तो आप पानी कैसे खरीद सकते हैं। आप बताइए कि ऐसा कहां पर है जो पासियों को इतना ज्यादा नीचे दिखाया गया है। ऐसी कौन सी सामाजिक व्यवस्था है, जबकि सब जानते हैं कि पासियों के साथ ऐसा नहीं है।
और वहीं पे हम लोग इनका उनकी मनमर्जी चलेगी, कुछ भी करेंगे ये लोग। और जब मूवी स्टार्ट होती है तो उन्होंने इतनी गंदगी दिखाई है कि बहुत ज्यादा गंदगी भरे माहौल में ये जाति के लोग रहते हैं। तो अरे भाई, अगर गंदगी भरे माहौल में आपको लगता है आप शूट कर रहे हो, आप रहते हैं, तो आपके प्रतिनिधि क्या करते हैं? इतने सालों से आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? मतलब यही माहौल बचा है शूट करने के लिए? बहुत गंदगी भरा माहौल बताते हैं। और ये मतलब बार बार इस तरह से कहते हैं कि जाटो जाति से पासी जाति तो नीचे होती है, यानी कि आपने तो आग लगा दी, एक को नीचा एक को ऊंचा, जो बहुजन कॉन्सेप्ट था उसमें तो धर के आपने बिल्कुल विस्फोट कर दिया। पासी भाइयों को बुरा लग रहा, अरे हमको तो जाटो भाइयों से नीचे बता दिया। इससे जाटो भाई भी अगर खुश ना हो, क्योंकि जब भी इन लोगों को मौका मिलता है, ढंग से जब इन लोगों को मौका मिलता है, ये बॉलीवुड वालों को, क्योंकि इनकी मोनोपोली है, इनकी मोनोपोली है, ये अपने हिसाब से सारी चीजों की प्लॉटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ। अगर उन्होंने सामाजिक व्यवस्थाएं देखी होती तो शायद उन्होंने वीरांगना उदा देवी की मूर्ति नहीं देखी, शायद उन्होंने मलियाबाद के पासियों को नहीं देखा कि बड़ी बड़ी सी नर्सरीज हैं, उनका आमों का बिजनेस है और अमरूदों का बिजनेस है, वो सेल्फ डिपेंड हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड हैं, अच्छी तरह से कमा रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। और भी जगह हैं, आपने वो गंदगी दिखाई, वो नकारात्मक चीज दिखाई जिसकी जिसका बीज आप ही ने बोया है, जो आप बार बार देखना चाहते हो। वही भाई जो समाज है, जो मैं कहना चाहूंगी यहाँ, जो सवर्ण समाज है, जिसने स्क्रिप्ट प्लॉट किया, उसका स्क्रिप्ट बनाई है, वो बार बार हमें उसी गंदगी में देखना चाहता है, जबकि वो गंदगी अब समाज से बिल्कुल जा चुकी है। जैसे कहते हैं पूरा हाथी निकल गया, हाथी की पूंछ बाकी है, तो आपने हाथी की पूंछ ये तो नहीं दिखाया कितना हाथी निकल गया, कितना विकास हो गया, आपने एक चीज पकड़ ली कि ये होता है। अरे सेंसर बोर्ड में हमारे लोग नहीं बैठे हैं तो आप लोग ऐसा करोगे? इसलिए भाइयों तरक्की बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनको ये लगता है कि पासी समाज बहुत नीचे समाज है, तो उन धूर्तों को मैं बता दूं अच्छी तरह से कि ये जो 6 सांसद चुनके आए हैं ना, उनके जितने तलवे चाटने वाले चाटुकार हैं ना, जितने विधायक हैं जो आए हैं चुनकर पासी समाज के, जो कि जिनको निचला स्तर का बता रहे हैं, उनके चाटुकार तलवे चाटने वाले जितने भी है ना, वो उसी समाज से आते हैं जिन्होंने इसमें पासी समाज को नीचा बताया है। पासी समाज फिर भी तलवे चाटने अपने प्रतिनिधियों के नहीं जाता है, सम्मान करता है, तलवे नहीं चाटता है। लेकिन वो तलवे चाटने वाले जो लोग हैं ना, वो सारे तलवे चाटने वाले लोग उसी कैटेगरी से आते हैं जिसमें उनको बताया गया है कि हीरो बनाया जा रहा है। हाँ, मुझे आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है इस मूवी की, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जिस तरह से डायरेक्शन है, मुझे 100% मैं कह सकती हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। किस तरह का दिखा कैसे देते हैं ये लोग, ये भूल जाते हैं। एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, जो कि सवर्ण समाज को बिलोंग करता है, उसको आपने, वो समझता है कि आर्टिकल 15 समानता कितनी जरूरी है, और हम ये देश संविधान से ही चलेगा। उसने इसको मैसेज को कन्वे किया कि ये देश है संविधान से ही चलेगा, और हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, सबके लिए, सबके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि केवल बहुजनों के लिए, सबके लिए। पासी समाज के भाई हो, चाहे जाटो समाज के भाई हो, चाहे यादव समाज के भाई हो, सबके लिए संवैधानिक अधिकार समान है। उसने एक मैसेज दिया, लेकिन पर जो संघर्ष कर रहा था वो भी तो संवैधानिक समाज, वो भी तो संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा था, वो भी तो संविधान की बात कर रहा था। उसको उस बीच मूवी में उसको हीरो ना बना के उसको मरवा दिया, उसको शूट करा दिया। यानी कि अगर इनके समाज का व्यक्ति होगा और संवैधानिक अधिकार की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, तो उसे हीरो मान लिया जाएगा। हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक अधिकार की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, बहुजन समाज का, तो उसे गोली मरवा दी जाए। यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि हीरो रहना है तो यही रहेंगे हीरो। अब यहां तक बात है यादव समाज की, तो यादव समाज जब सत्ता में था और बहुत बहुमत था उनका, बाहुबली था, तब गंगा जल जैसी मूवी रिलीज हुई, तब भी वो समाज में गंदगी फैलाई गई कि यादव समाज के लोग क्रिमिनल हैं, क्राइम करते हैं,
ये गंदगी यानी वहां से शुरू हो गई थी, समझ में अब आ रही है धीरे धीरे। अब अगली बार मैं पूछती हूँ इन भाइयों से जो इतने अच्छे सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो मेंबर्स हैं वहां के, बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उनसे पूछती हूँ अगली बार क्या मोब ब्लीचिंग पे बनाइएगा मूवी, मोब ब्लीचिंग पे मूवी बनाइएगा, या गोरखपुर में जो बच्चे मर गए हैं उन पे बनाइएगा, जो बनारस में पुल गिर गया था उस पे बनाइएगा। उनके समाज को नहीं दिखाओगे, उनकी ठेकेदारी उनकी दलाली नहीं दिखानी है आपको। आपने एक पक्ष तो दिखा दिया बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा से लेके आप नकारात्मक ऊर्जा से लबालब थे, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की और आपने मूवी बना दी। मूवी हिट होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो हमारे पक्ष में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शुरुआत से षड्यंत्र चलता चला आ रहा है। आपने जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई जो मानसिकता आपने उस पिक्चर में पूरी तरह से उड़ेल दी है बहुजनों के खिलाफ ना, उससे बहुजन नाकाफ बिल्कुल बहुत खुश नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ऐसा वैमनस्य फैला रहे हो और आप ही लोग रगड़ रगड़ के मारे जाओ, पीटे जाओ बोरे में बंद कर करके। आपने दिखाया वो सुअर ताल, और ये भी मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो डायरेक्शन किया है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है कि हम संघर्ष करें तो मारे जाएंगे, आप संघर्ष करोगे तो हीरो बन जाओगे, आप संविधान की बात करोगे तो हीरो बन जाओगे, और अगर हम संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, तो हम लोगों को मार दिया जाएगा, दबाया जाएगा, हमारी स्थिति परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा। बहुत शर्म आती है कि हम हिंदुस्तान में, जो कहते हैं ना कि अरे ये भारतवर्ष में रह रहे हैं, अरे ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है, ये कौन सा, अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे। अब मैं सबसे पहले अगर लगाती हूँ लताड़ तो अपने पासी समाज के भाइयों को लगाती हूँ। पासी समाज के भाई बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कि और ना ही जाटो समाज के भाइयों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ये आप राजाओं की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, हम नेतृत्व की बात करते हैं, नेतृत्व को साबित करते हैं, और ये बॉलीवुड ये 1 मिनट में नेशनल लेवल पे, नेशनल वाइड लेवल पे बिल्कुल रिलीज हुई है मूवी, और इसमें दिखाया गया है चमार भाइयों के, कहते बड़े उससे बताया गया है कि जाटो भाई और पासी भाई इन सब में आपस में इतना वैमनस फैला देंगे ना लोग, इतनी गंदगी फैला देंगे ना, एक को ऊंचा एक को नीचा बताकर, जबकि मुझे पता है कि ऊंचा नीचा कोई नहीं है, एक से एक ऑफिसर्स, आप लीडिंग ऑफिसर्स देखिए तो आपको मिलेंगे। पासी समाज में, जाटो समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और यही यही है, यही है, यही लोग दुश्मनों को पहचानी है। ये आप, ये हमारे जाटो भाइयों को गले में हांडी टांग के और पीठ में पीछे कमर में झाड़ू बांध के दिखा देते हैं, उनकी सामाजिक दशा दिखाते हैं, और वही जो चीज नहीं है, फैक्ट नहीं है, उसको समझिए। हाँ पासियों को लोग दबाना चाहते हैं, ये तो हकीकत है, पारसी को तो दबाना मजबूरी है, पारसी एक मार्शल कास्ट है, अगर पारसियों को नहीं दबाया तो इनके जो अनाधुन जो है ना, जो इनका जो नेतृत्व है, इनका जो ठेकेदारी है, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की जो ठेकेदारी है ना, इस पर बिल्कुल अंकुश लग जाएगा। अब हम भाई समझने लगे हैं, हम लोग आपस में लड़ना नहीं है हम लोगों को, और ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं। जो हत्याएं हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लगातार जिस तरह से पासी समाज की हत्याएं हुई, और एकदम से वो मूवी, मतलब कि हमारे पासी समाज की हत्याएं लगातार दनादन हो रही थी और तुरंत मूवी भी रिलीज हो गई, पता नहीं क्या कोरिलेशन है, मुझे तो कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं पर जब बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग है, झंडा उठा रहा है अपने अधिकारों के लिए, वहां पर जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, जो नेतृत्व कर रहा है, संघर्ष के लिए नेतृत्व कर रहा है, उसका उसको मार देना बताते हैं। यानी कि क्या ये कोई इंडिकेशन है हमारे बहुजन समाज के जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहा है युवा समाज, क्या उसके लिए कोई इंडिकेशन है कि भैया तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हारे लिए हिस्से में कुछ गोलियां आएंगी? समझिए षड्यंत्र है भाई, समझिए, नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा।
अगर यही अगर इस तरह से वैमनस्य फैलाया गया तो जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, इनको बोरी में बांध बांध के मारेंगे और फिर अगली मूवी बनाएंगे कि अरे ये जो है ना कुछ 15-16% लोगों को के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इनको बोरी में बांध के कहीं भी अच्छी तरह ठोका जाता है और इसी तरह पेड़ से लटका दिया जाता है। आप उस समाज को जन्म दे रहे हैं। कम शब्दों में बस फाइनली ये कहूंगी कि जिनको ऐसा लगता है कि पासी जाति बहुत नीचे जाती है और उनका शोषण होता है, तो महाराज मैं हर दरबार में देख रही हूं आप लोगों का हाल। जितने भी हमारे प्रतिनिधि, सांसद और विधायक, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी है ना, तो उनके तलवे चाटने वाला पहला अगर कोई किसी कैटेगरी से आता है तो इसी कैटेगरी से आता है, जिनको बहुत घमंड है कि हम बहुत ऊंचे हैं और बहुजनों को नीचा दिखा देंगे और हीरो बन जाएंगे ऐसी मूवीज बनाकर। मैं कोई ये नहीं कह रही हूं, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है। आप किसी भी विधायक के दरबार में चले जाइए, किसी भी सांसद के यहाँ चले जाइए, किसी भी आईएएस ऑफिसर के यहाँ चले जाइए, तो उनके सबसे ज्यादा चाटुकार जो मिलेंगे ना, तो यही कैटेगरी मिलेगी और हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को देखना है तो चले जाइए बाहर, लंबा कुर्ता पजामा पहन के सचिवालय के बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर नहीं घुस पाते हैं। बाकी भाइयों आप लोग समझदार हो, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग समझिए, विरोध करने से पहले संयम रखिए, समझिए कि विरोध किस चीज का करना है। विरोध इस चीज का नहीं करना है कि हम ऊंचे हैं वो नीचा है, वो नीचा है हम ऊंचे हैं। हम सबको बारी बारी से लोग शिकार बना रहे हैं, समझिए, ये सोची समझी साजिश है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी।